नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरवेंशन के बाद हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेला के जो बाकी रिचुअल्स थे उनको सिंबॉलिकली मनाने का फैसला लिया गया। डिसीजन लेकिन तब लिया गया जब बहुत डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। कोविड-19 पैंडेमिक के इस फेज में कुंभ मेला और असेंबली इलेक्शंस ने एक तरह से सुपर स्प्रेडर्स का रोल अदा किया है। ये जानते हुए कि इतनी बड़ी ह्यूमन गैदरिंग से कोरोना वायरस के स्प्रेड का खतरा बहुत बहुत ही गुना गहरा हो जाएगा, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स ने कुंभ मेला को ढंग से आयोजित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा था। हरिद्वार ऋषिकेश के लिए नियमित ट्रेनों के अलावा स्पेशल ट्रेन्स भी चलाई गई थी। पीएम मोदी और चीफ मिनिस्टर रावत के फोटो सहित विज्ञापन अखबारों में प्रकाशित हुए, सरकार का रोल पब्लिसाइज करने के लिए, प्योरली टू पब्लिसाइज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट। क्या कुंभ मेला को अलाउ करने का फैसला प्रधानमंत्री और उनके सलाहकारों की अज्ञानता को साबित करता है, या यूं कहिए जोखिमों को जानने के बावजूद क्या निर्णय राजनीतिक कारणों से लिया गया था? क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति काफी हद तक धार्मिक उत्साह से प्रोपेल होता है, क्या यही कारण था? कुंभ मेला क्या है? आज के हेल्थ इमरजेंसी और सामाजिक क्राइसिस के बीच इसको फुल फ्लेजेड तरीके से ऑर्गेनाइज किया क्यों गया? According to the Hindu scriptures, a fight arose between the gods and the asuras, all for a possession of a pitcher containing the elixir of life. In the struggle, a few drops of elixir were spilled at Allahabad, Haridwar, Ujjain and Nashik. Scriptures ke anusar, maan lijiye, ye itihas nahi hai. Ye yudh 12 दिव्य दिन तक चली थी, इसीलिए 12 साल के साइकिल में इन चार शहरों में कुंभ मेला आयोजित होता है। कुछ वर्ष पहले तक हरिद्वार और इलाहाबाद के कुंभ मेलों को ज्यादा प्रोमिनेंस मिलता था, उन्हीं के बारे में चर्चा ज्यादा होती थी। बट विद इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ हिंदुत्व एंड द संघ परिवार्स कॉल टू constantly display Hindu-ness, festivals, fairs and rituals, Kumbh Melas have become almost never-ending. Either states are preparing for one or the next Kumbh Mela or are coping with the, what we could say, the collateral impact of the most recent one, like we are doing at the moment. Har Shahar mein Kumbh Mela हर 12 साल में आयोजित किए जाते हैं। अंतिम हरिद्वार का कुंभ मेला 2010 में आयोजित हुआ था। हरिद्वार के कुंभ की शेड्यूल डेट 2022 या 2022 की थी। अब सवाल है कि जिस समय भारत दूसरे कोविड-19 लहर को फेस कर रहा है, कुंभ को क्यों आयोजित किया गया? इट वॉज due to an astrological mumbo-jumbo that honestly I could not understand. Something of Sun entering Aries and Jupiter entering Aquarius, and that this was an appropriate moment. Kyunki ye celestial coincidence har 83 ya 83 saal mein ek baar hoti hai, isiliye 2021 mein kumbh ayojit karna avashyak. 1838 और 1855 में भी उसी तरह के
एस्ट्रोलॉजिकल कंसिडरेशंस थे और कुंभ को एडवांस किया गया था। बट आर वी लिविंग इन 1838? क्या हम 1838 और 1855 में अभी भी जी रहे हैं? क्या तब से लेके अब तक साइंटिफिक नॉलेज और साइंटिफिक टेंपर में एडवांसमेंट नहीं हुआ है? अनडाउटेडली एस्ट्रोलॉजिकल सैंक्टिटी ऑफ द कुंभ मेला नाउ वॉज कंसिडर्ड टू बी मोर इंपॉर्टेंट देन द लाइव्स ऑफ द पीपल। ऑल्दो कुंभ मेलास हैव अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री, इट रिसीव्ड लिटिल अटेंशन इन द एकेडमिक डिस्कोर्स। चाइनीज यात्री हुएनसांग ने हमें एक 644 एडी के अकाउंट में उस वक्त के कुंभ मेला के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। निसंदेह है कि इस ह्यूज स्केल की एक ह्यूमन असेंबली गंभीर एडमिनिस्ट्रेटिव चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं। इंक्रीज्ड पॉपुलेशन डेंसिटी, रिड्यूस्ड हाइजेनिक कंडीशंस एंड एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स प्रोवाइड एम्पल वेज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस। बड़ी भीड़ हमेशा महामारी की संभावना को बढ़ाती है। नॉन कम्युनिकेबल रिस्क इंक्लूडिंग स्टैम्पीड्स, हीट रिलेटेड इलनेसेस, एक्सीडेंट्स एंड टेररिस्ट स्ट्राइक्स ऑल्सो पोज कॉम्प्लेक्स पब्लिक चैलेंजेस इन मैनेजिंग रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशंस। इतिहास में महामारी के कारण करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई है। 1817 से 1920 के बीच दुनिया में 7 करोड़ लोग महामारी से मरे, इसमें से 4 करोड़ हिंदुस्तान में थे। कुंभ कहने को तो हिंदू एकता दर्शाने के लिए है, लेकिन हिंसक झगड़े आम रही हैं कुंभ मेलाओं के इतिहास में। एफजी रेपर इन एशियाटिक रिसर्च इनफॉर्म्स अस ऑफ द बैटल एट द 1760 कुंभ एट हरिद्वार व्हेन शैवाइट एंड वैष्णवाइट साधुस फॉट ओवर हु वुड बी द फर्स्ट। अप्रोक्सीमेटली 18,000 पीपल डाइड। इट वॉज इक्वली वायलेंट इन 1796 एट द कुंभ मेला और एट हरिद्वार वंस अगेन। 12,000 and 14,000 Sikh cavalrymen from Patiala and elsewhere entered Haridwar. They fought again with the Shaivite sadhus to occupy the bathing ghats. More than 5,000 people died. The late journalist Dhiren Bhagat once wrote an article in the British magazine Spectator after the 1986 Haridwar Kumbh Mela stampede. He went to cover it. He wrote there that the numbers at the Kumbh Mela make Woodstock and even the Hajj appear like picnics. ब्रिटिशों द्वारा भारतीय क्षेत्रों पर नियंत्रण प्राप्त करने के बाद कुंभ मेला ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए प्रॉफिट के अवसर बन गए थे। यात्रियों पर कर लगाने का या टैक्स लगाने का उनको मौका मिलता था। 1783 में हरिद्वार के कुंभ मेला में कॉलेरा का आउटब्रेक हुआ था। 8 दिनों से भी कम समय में लगभग 20,000 लोग मर गए थे। 1867 में हरिद्वार कुंभ मेला में कॉलेरा एपिडेमिक लेड टू द फर्स्ट एवर मेजर सैनिटेशन एक्सरसाइज बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स, लेकिन यह विफल रहा। जनता ने नियमों का पालन नहीं किया। इस अनुभव से लेकिन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स को मेला स्थलों में प्रवेश करने के लिए भीड़ को नियंत्रित करने की सीख दी। डेथ रेट्स स्लोली बिगैन ग्रोइंग अप इन द कुंभ इयर्स। 1879 इन हरिद्वार, 1882 इन इलाहाबाद, द अर्थ कुंभ इन हरिद्वार इन 1885 and again in 1891 when the death rate per thousand almost doubled up. 1894 mein Allahabad Kumbh mein phir se cholera ka
और फिर 1897 में प्लेग का प्रकोप हुआ। प्लेग फैलने के बाद कुंभ मेलाओं के दौरान शहर के सभी लॉजिंग एंड बोर्डिंग हाउसेस को बंद कर दिए गए और मेला क्षेत्र में आने वाले तमाम तीर्थ यात्रियों को एक शहर से बाहर शिविर या फिर एक कैंप में उनके लिए रहने का टेम्पररी अरेंजमेंट करना शुरू हो गया। फिर भी एपिडेमिक्स का सिलसिला चलता रहा। कॉलेरा मैनेजमेंट रिमेन अ बिग वरी, बट द फेटल अट्रैक्शन फॉर द कुंभ मेलास कंटिन्यूड अमंग द पीपल और फॉर दैट मैटर एनी अदर रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन वेयर पीपल गैदर्ड इन थाउजेंड्स एंड लैक्स, द एंटायर प्रोसेस डिड नॉट एंड। जो जोखिम लेने वाली मानसिकता अभी भी समाप्त नहीं हुई है। ब्रिटिश सरकार ने 1895 में एक स्टडी कमीशन किया कुंभ मेलाओं के दौरान हैजा बीमारी या उसकी महामारी के तीन कारण पाए गए। दीज वर द फर्स्ट वन, डर्टिंग ऑफ रिवर्स बाय द एक्सेप्शनली लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ बेदर्स टू द क्वांटिटी of water available. 2. Rampant growth of the cholera bacteria because of the rising heat. And 3. Finally, due to increased virulence of the bacteria elsewhere in India. 2021 mein shayad reasons similar hain ki kis tarah se COVID-19 ne achanak se ekdam upar graph ki taraf chadh gayi hai. 1920 के बाद से लाइफ एक्सपेक्टेंसी धीरे धीरे बढ़ने लगी। उस वक्त लगभग 25 वर्ष की आयु एवरेज थी और अब 70। मेडिकल साइंस ने भी बहुत तरक्की की है, परंतु जैसे हमको COVID-19 के एक्सपीरियंस ने डेमोन्स्ट्रेट किया है, ह्यूमन काइंड शायद अभी भी कंप्लीट ट्रुथ और आंसर से बहुत दूर है। और जैसा हम आप आंख के सामने अभी देख रहे हैं, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मेजरली डेफिशिएंट हैं अभी भी। हम मेडिकल साइंस की बीमारियों पर जीत की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट वी डिड दिस विदाउट क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ द रोल ऑफ द पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन इन दीज पास्ट विक्ट्रीज। अब यही जीत खोखले लगते हैं। क्राउड मैनेजमेंट हमेशा से प्रॉब्लमैटिक रहा है। स्टैम्पीड्स आम हैं हिंदुस्तान में, खास तौर से रिलीजियस फेस्टिवल्स और कुंभ मेला में तो है ही। 2013, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, इलाहाबाद कुंभ मेला में 36 लोग रेलवे स्टेशन में स्टैम्पीड में कुचले गए थे। इसका भी एक लंबा इतिहास है। 1840, 1906, 1954 आजाद हिंदुस्तान में पहला कुंभ और 1986 जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले किया। ये वो पड़ाव हैं जिनको हम याद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इन हादसों से मुंह मोड़ नहीं सकते। कुछ मिस्टेक्स हम सुधार सकते हैं, लेकिन कुछ शायद कभी नहीं सुधार सकेंगे। जिस तरह से राजनीति चल रही है, इसको देख के लगता है। जैसा हमने देखा, कुंभ मेला के दौरान एपिडेमिक्स का और विरुलेंट होने का लंबा इतिहास है। इतिहास हमें सीख दे सकता है, परंतु जो नहीं सीखते वे उसे दोहराते हैं। शायद वही हो रहा है आज के दौर में। नमस्कार।